Assalamu alaikum, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video of Lahore Smart City Walking Tales episode 20. इस वीडियो में आपको मैं जो स्ट्रीट वन कह रहे हैं, जो बेसिकली लेन वन है, स्ट्रीट वन नहीं है, लेन वन पे जो सी वन रोड के साथ एडजेसेंट रोड है उस पर जो डेवलपमेंट अभी हो रही है उस हवाले से बताऊँगा। अगर हम बात करें ओवरऑल इस लेन वन पे जो प्लॉट के साइज़ हैं, तो इस प्लॉट पे इस साइड पे सिर्फ एक नाली कटिंग्स हैं और ये जो स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है इस पार्क के सामने, यहाँ पर मतलब कटिंग्स मौजूद हैं, वैसे यहाँ पे सिर्फ एक नाली कटिंग्स मौजूद है। और इस स्ट्रीट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो स्ट्रीट की जितनी कारपेटिंग है अलॉन्ग विद फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिकल फाइबर या वाटर सप्लाई, तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट जो 100% कम्प्लीट हो चुकी है। सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट की गई थी कि सोसाइटी यहाँ पर मार्च के फर्स्ट वीक में, मार्च की वैसे फर्स्ट वीक नहीं कहा था, मार्च में इसको पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे। तो जिन मेंबर्स के भी यहाँ पे 100% एलोकेशन प्लॉट की पेमेंट पे एलोकेशन होती है तो यहाँ पे आते ही वो डे वन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रीट के ओवरऑल लेआउट प्लान की बात करूँ, स्ट्रीट के इस तरफ यहाँ पे साइड ऑफिस इंजीनियर्स के, जहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं साइड पे कंस्ट्रक्शन वाले, और इस साइड पे ये प्रॉपरली चार साइड्स की अगर बात करें, नॉर्थ साइड पे हम ईस्टर्न बाईपास है, ईस्ट साइड पे ग्रैंड ट्रंक रोड लाहौर जूटी रोड है। अगर हम बात करें साउथ साइड पे, इस साइड पे यहाँ पे जो एंट्रेंस रोड बनना है ग्रैंड ट्रंक रोड से, उसकी लोकेशन है, यानी ये पॉइंट है जहाँ से एंट्रेंस रोड बनना है और इस साइड पे इसकी लोकेशन है। इन प्लॉट्स के लिए जो एक्सेस है वो ये C1 रोड है जिसकी वेट था 180 फीट, वहाँ से एक्सेस है। ये जो वाटर टैंक के सामने एक रोड आपको नज़र आ रहा है, इस साइड से एक्सेस है। इसके अलावा इसकी इस साइड से भी लाहौर ईस्टर्न बाईपास से कल के फ्यूचर में जब एक्सेस बनेगी उसके साथ यहाँ पे इसकी यहाँ से एक्सेस भी मौजूद होगी। फॉर द टाइमिंग सोसाइटी ने ये एक्सेस तो बना दी है, ईस्टर्न बाईपास का जो अप्रूवल है लाहौर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी का, या लाहौर स्मार्ट सिटी का सॉरी, उसका जो अप्रूवल है वो भी पेंडिंग है। जब वो होगा तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होगी तो इन प्लॉट्स की लोकेशन सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन काउंट होगी, क्योंकि ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये तीन साइड से बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे, एक तरफ आपके लाहौर ईस्टर्न बाईपास है, एक तरफ आपके लाहौर जीटी रोड के एक्सेस है, और सामने आपके घर के जो सामने रोड आएगा या बैक साइड पे जो रोड आएगा उसकी विड्थ है 180 फीट। पार्क आपके बिल्कुल क्लोज सर्कल में है यहाँ पे, और साथ इसके मस्जिद मौजूद है। तो ये एक स्ट्रीट ऐसी बनती है कि जिसकी लोकेशन वाइज इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बनती है कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स। बाकी स्ट्रीट्स भी अच्छी हैं, सारी की सारी डेवलप्ड हैं, पोजेशनेबल हैं। जो भी मेंबर चाहें 100% अमाउंट क्लियर करके सोसाइटी से कल की डेट में जाके बेशक पोजेशन मांगते हैं तो सोसाइटी मेरा ख्याल उनको मना नहीं करेगी, क्योंकि प्लॉट रेडी हैं जो साइट पे आउटसोर्स किए हुए हैं। विलास ये इनकी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इस तरफ देख लें, ये पॉइंट देख लें, यहाँ पे इस साइड पे ये पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे ट्रॉली वगैरह से जो इंटी वगैरह उतर रही हैं अभी, और इस साइड देख लें, तमाम साइड पे कंस्ट्रक्शन है। हम बहुत सारे विलास बताते हैं, ये आपको मैं जूम कर दिखाता हूँ, जिनकी ग्राउंड फ्लोर कम्प्लीट हो गया है और फर्स्ट फ्लोर पे जो उनकी चुनाई का काम है फर्स्ट फ्लोर पे हो गया है, यानी फर्स्ट फ्लोर की भी 5-5, 6-6 फुट दीवारें हो गई हैं, तो 10 फुट की दीवार होती है, उसके बाद लेंटर होता है सेकेंड, तो इस साइड पर डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसी एरिया की बात करूँ कि आज से 5-6 महीने पहले इस एरिया की एग्जिस्टेंस, तो ग्राउंड या ज़मीन पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, और आज जब आप साइड विजिट करते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। जो फिनोमिनल चेंज है वो बेसिकली विद इन 5 to 6 months हुआ रिसेंट डेज में। अब अक्सर लोग बात करते हैं लाहौर स्मार्ट में प्रॉफिट्स की, कि लाहौर स्मार्ट में प्रॉफिट जो है वो डे वन ऊपर चले गए हैं। वो इसलिए ऊपर चले गए, ज़मीन पर जाके ना आमतौर पर सोसाइटीज करती क्या है कि प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, उसके बाद क्लाइंट के पैसों से या कस्टमर के पैसों से पहले लैंड एक्वायर करती हैं, लैंड एक्वायर करने के बाद फिर NOC अप्लाई करना, सो ऑन इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं सारी वो कम्प्लीट करती हैं। लेकिन यहाँ पर लाहौर में थोड़ा सा केस रिवर्स था, क्योंकि सोसाइटी ने यहाँ पर सबसे पहले लैंड प्रिक्योर की, NOC अप्लाई किया, NOC अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की, और इस डेवलपमेंट के 6 months के अंदर आज साइट पे ये स्टेटस है कि तमाम के तमाम ब्लॉक ए में 600 प्लॉट्स हैं जिनके साइजेस 600 प्लॉट्स में कनाल और 10 मल्ला के प्लॉट्स हैं, और 1000 प्लॉट्स हैं 5 मल्ला के। तो इस साइट जो है मुकम्मल डेवलप हो रहे हैं, ये ब्लॉक मुकम्मल रेडी है और इस ब्लॉक का पोजेशन जो है मई में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये इन विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है साइट पे, और साइड तमाम की तमाम स्ट्रीट जो डेवलप्ड है और पोजेशनेबल है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट नहीं, लाहौर स्मार्ट नहीं, बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।